मैं भी हूं मुदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज आपको बताने वाले हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो पंजाब में है उसकी बेचैनियां बढ़ गई है, उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि आखिर वहां तो 20 फरवरी को मतदान हो चुके हैं तो अब किस बात को लेकर टेंशन होगा। मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, मतदान किया, तो उनके बीचों में तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा है कि चुनाव से पहले सबसे ज्यादा रायता फैलाया और सुर्खियों में भी वही थे। कैप्टन अमरिंदर का भी इस्तीफा उन्हें उसी ने करवाया और उसके बाद कहा जा रहा था कि पंजाब में जो अंतरकलह है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो किसी और की वजह से नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से भी है। तो अब सवाल ये है कि उनकी सीटों पर जो कम वोटिंग हुई है, जी हाँ कम वोटिंग हुई है, और इसी वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं। और इस बात को लेकर, क्योंकि पंजाब की लड़ाई दो पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, पंजाब की लड़ाई आत्मविश्वास की लड़ाई थी, और वो इसलिए क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने साफ शब्दों में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को न जीतने देंगे और न सीएम बनने देंगे। यानी कि ये कांटे की टक्कर में, आन शान की लड़ाई में इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं और इसीलिए उनकी बेचैनियां बढ़ रही हैं। दिग्गजों के बीच तो कांटे की टक्कर है। अब नवजोत सिंह सिद्धू का किस्मत भले ही पैक तो हो चुका है ईवीएम में, लेकिन देखना यही होगा कि क्या आखिर जो उनसे जो है शर्त लगाई गई है, जो उनके दावे किए गए हैं, ताने मारे गए हैं, क्या उससे वो उभर पाएंगे, क्या उससे जीत पाएंगे। ये तमाम सवालों का जवाब तो रिजल्ट में ही मिल पाएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मतदान कम होने से उनकी बेचैनियां परेशानियां बढ़ गई हैं। देखना यही होगा कि आखिर पंजाब में सरकार किसका बनता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।